name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. I'm your course instructor of English. Our subject is functional English. And today's our lecture number 9. Dear students, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इन्वर्जन ऑफ सेंटेंसेस. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको सबसे पहले ये चीज बताना चाहती हूँ कि जिस तरह से हमने अपने कल के लेक्चर में ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ी थी, चेंजिंग ऑफ सेंटेंसेस पढ़े थे, आज हम पढ़ेंगे इन्वर्जन ऑफ सेंटेंसेस. तो डियर स्टूडेंट्स, इन्वर्जन ऑफ सेंटेंसेस क्या होते हैं, आपने इस पॉइंट पर फोकस करना है कि बेसिकली सबसे पहले हम देखेंगे कि इन्वर्जन क्या होती है. इन्वर्जन एक्शन ऑफ इन्वर्टिंग समथिंग और द स्टेट ऑफ बीइंग इन्वर्ट. इन्वर्ट मतलब कि कोई चीज आप किस चीज से इन्वर्ट करते हो, रिवर्सल करते हो, उसकी उसको कन्वर्स करते हो, उसको किसी एंटीपोड फॉर्म में लिखते हो, मतलब उल्ट पुल्ट कर देते हो चीजों को, एक से अपनी जगह से उसको दूसरी जगह पर ले जाते हो, मूव कर देते हो एक जगह से एक चीज को दूसरी जगह पर. तो इट्स अ कन्वर्जन. स्टूडेंट्स, इसको हम ट्रांसपोजिशन भी कहेंगे क्योंकि इसमें इसकी ट्रांसपोजिशन, अपनी पोजिशन चेंज हो जाती है. जो हमारे वर्ड्स होते हैं इसमें पोजिशन उनकी चेंज हो जाती है. तो डियर फ्रेंड्स, इन्वर्जन जो होता है वो किसी चीज की उल्ट पुल्ट होना, मतलब किसी चीज में एक जगह से दूसरी जगह जब जो है वो मूव करना, उस एक जगह से दूसरी जगह, वो वहां से अपनी जगह से दूसरी प्लेस पर जाना. तो इसमें उसमें प्लेसमेंट भी आपने देखना है कि ऑर्डर के मुताबिक जो है प्लेस जो है चेंज हो जाती है, ये आपका इन्वर्जन कहलाता है. तो बेसिकली इन्वर्जन में हम ये चीज देखते हैं कि रिवर्सल ऑफ पोजीशन किस तरह से होती है, ऑर्डर फॉर्म हमारे और रिलेशनशिप जिस तरह से किस तरह से चेंज होते हैं, नॉर्मल वर्ड स्पेशली जैसे उनकी प्लेसमेंट वर्ब की जो है सब्जेक्ट में होती है और सब्जेक्ट जो है वो चेंज हो जाता है अपनी जगह पे. अमूमन जो सब्जेक्ट है वो स्टार्ट में ही आता है हर सेंटेंस में, लेकिन जब हम उसकी इन्वर्जन कर रहे होते हैं, इन्वर्जन में द प्लेसमेंट ऑफ वर्ब बिफोर द इट्स सब्जेक्ट, तो अपनी जो जगह से जो है सब्जेक्ट हट जाता है और उसकी जगह पर मूव करके वर्ब आ जाता है, हमारा एक्शन वर्ड आ जाता है. द प्रोसेस और रिजल्ट ऑफ चेंजिंग और रिवर्सिंग द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द नोड्स, तो ये क्या कहलाता है, आपकी इन्वर्जन कहलाता है. तो डियर फ्रेंड्स, वी यूज इन्वर्जन इन डिफरेंट सिचुएशन. हम इन्वर्जन डिफरेंट सिचुएशन में यूज करते हैं जब हमारी सिचुएशन अकॉर्डिंग टू हमारे कंडीशन के मुताबिक होती है, तो हमने देखना है कि उसमें हम किस तरह से अपनी चीजों को मूव करते हैं, इधर से अपनी चीजों को उधर ले जाते हैं. इन्वर्जन जस्ट मीन्स पुटिंग द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट. इन्वर्जन का जो बेसिकली जो पर्पज है वो क्या है, पुटिंग द वर्ड्स द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट, कि अपने हमने इन्वर्जन में अपने सब्जेक्ट को हमने हटाकर उसकी जगह वर्ब पुट कर देना है. वैसे हमारा जो वर्ब है वो आता है हमारे सब्जेक्ट के बाद आता है. अमूमन हर सेंटेंस में हमारा एक जो स्ट्रक्चर है सेंटेंस का SVO, उसमें होता है हमारा सबसे पहले सेंटेंस, वर्ब और ऑब्जेक्ट. ये स्ट्रक्चर हमारा जो है एक ऑर्डर के मुताबिक है, इसमें कभी कोई चेंजिंग नहीं होती. लेकिन जब हम सेंटेंस में इन्वर्जन करेंगे तो हमारा जो है सब्जेक्ट जो है वहां से हट जाएगा अपनी जगह से, उसकी जगह पर हम अपना वर्ब पुट कर देंगे सब्जेक्ट की जगह पर. मींस कि हमारा एक्शन वर्ड जो हमारे सब्जेक्ट के बाद आता है इन्वर्जन में, वो हमारे सब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा. वी यूजुअली डू इट इन क्वेश्चन फॉर्म. हम अपने वर्ब को अगर हम स्टार्ट में ले आएंगे सब्जेक्ट की जगह, तो वो हमारे क्वेश्चन फॉर्म में आ जाएगा. डियर स्टूडेंट्स, तो उसमें हमने देखना है कि नॉर्मल सेंटेंस हमारे पास होता है यू आर टायर्ड, इट्स अ सब्जेक्ट, इट्स अ वर्ब, इट्स अ एक्शन वर्ड. ये ऑक्सिलरी वर्ब, ये आपका एक्शन वर्ड. तो डियर फ्रेंड्स, द सब्जेक्ट इज यू, आपका यहाँ सब्जेक्ट क्या है, यू. इट्स बिफोर द वर्ब आर, आपके वर्ब से पहले है, जैसे कि हम नॉर्मली स्ट्रक्चर अपना बनाते हैं. अब हम इसी नॉर्मल स्ट्रक्चर को हमने उसकी इन्वर्जन करनी है, तो हम इस तरह से करेंगे, हम अपना जो ऑक्सिलरी वर्ब है हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद, हमारा ये ऑक्सिलरी वर्ब है, इसको हम स्टार्ट में ले आएंगे. हम अपने वर्ब को, हम अपने जो है ऑक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट की जगह यू ले आए, तो हमारा वहां पर क्या आ गया, आर यू टायर्ड. तो हमारा सिंपल सेंटेंस जो था यू आर टायर्ड, वो चेंज हो गया क्वेश्चन फॉर्म में, आर यू टायर्ड. देयर स्टूडेंट्स, द वर्ब आर इज बिफोर द सब्जेक्ट
तो जो हमारा वर्ब आर ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब था वो हमारे सब्जेक्ट यू से पहले आ गया, अदरवाइज वो नॉर्मल सेंटेंस में सब्जेक्ट के एस के बाद जो जो आपका स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग आया हुआ है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आपका ऑब्जेक्ट। लेकिन इधर जो है आपका, जैसे ही आपने उसको इन्वर्जन की तो आपका स्टार्ट में आने से आपका ऑक्सिलरी वर्ब क्वेश्चन फॉर्म में आ गया। जब भी कोई चीज आपकी प्लेसमेंट ऑर्डर के मुताबिक एक जो है जगह से दूसरी जगह जाती है और वो स्टार्ट में जब आपका वर्ब आएगा तो वो क्वेश्चन फॉर्म में आ जाएगा, इट्स कॉल्ड इन्वर्जन। इन्वर्जन मीन लाइक अ क्वेश्चन फॉर्म सेंटेंस, कि आपकी वर्ब की जो फॉर्म है आपके स्टार्ट के सब्जेक्ट में आकर क्वेश्चन जब बनेगी इट्स कॉल्ड इन्वर्जन। They have changed places. जब इनकी चेंज होंगी places, this is called inversion. Dear friends, in most English verbs tenses, tenses आपको basically मैंने पहले भी बताए थे, basically tense 3 होते हैं, उसके जो है जो आगे स्ट्रेट्स होती हैं वो 4 होती हैं, तो इसलिए वो 12 बन जाते हैं। बेसिकली टेंस 3 होते हैं, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर, उसकी आगे स्टेट्स होती है। फर्दर हम इंग्लिश के टेंसेस में व्हेन वी वांट टू यूज इन्वर्जन, हम हमेशा टेंसेस में इन्वर्जन यूज करते हैं। वी जस्ट मूव द वर्ब टू बिफोर द सब्जेक्ट, हम अपने वर्ब को कहाँ मूव कर देते हैं, हम अपनी वर्ब को हम अपने सब्जेक्ट में। इफ देयर इज मोर देन वन वर्ब, अगर एक से ज्यादा वर्ब होगी, बिकॉज अ वर्ब टेंस हैज ऑक्सिलरी वर्ब, अगर हमारे एक वर्ब से ज्यादा अगर वर्ब कोई एक सेंटेंस में यूज हुआ होगा तो इट्स मीन कि वो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ हुआ है, क्योंकि वर्ब तो एक होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। लेकिन डियर स्टूडेंट एक और हमें वर्ब नजर, अगर सब्जेक्ट अगर हमें सब उसमें नजर आ रहा है अपने टेंस में, इसका मतलब है कि वर्ब के साथ एक और वर्ब जो है वो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है। इसकी एग्जाम्पल है, इससे आपको पता चलेगा किस तरह से आपके ऑक्सिलरी वर्ब यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी मूव द फर्स्ट वर्ब, हम अपने फर्स्ट जो हमारी वर्ब है उसको मूव करते हैं। देर आर टू वर्ब टेंसेस वेयर जस्ट चेंज द प्लेसेस ऑफ द वर्ब एंड सब्जेक्ट। प्रेजेंट सिंपल, जिसमें हम देखेंगे कि हमारा विथ बी, एम आई आर यू और इज ही, ये हमारा आई एम होता है तो एम आई आ जाएगा, क्योंकि हमारा आई जो होता है वो सब्जेक्ट होता है और एम जो है वो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है। लेकिन हमने इसकी इन्वर्जन की तो हम इसको एम को स्टार्ट में ले एम आई, और आप इधर देखिए यू आर होता है सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब होता है ऑक्सिलरी, लेकिन हमने इसकी इन्वर्जन करके आर यू कर दिया हमने। इस तरह से हम अपने इसको भी स्टार्ट में ले आए तो हमारी ये इन्वर्जन हो गई। तो इस तरह से पास्ट में हमने देखना है कि पास्ट में हम इन्वर्जन किस तरह से करेंगे। डियर स्टूडेंट्स हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो होता है यू वर, बट हमने इन्वर्जन की तो हमने कहा वर यू, तो मीन्स कि जब वर यू आएगा तो इट्स मीन ये क्वेश्चन फॉर्म हो गई हमारी। तो हम कहते हैं शी वॉज, तो इट्स मीन कि ये सिंपल है, लेकिन हम कहते हैं वॉज शी देयर, तो हमारा ये क्वेश्चन फॉर्म हो जाएगा। जब भी हमारा वर्ब जो है हमारे सेंटेंस के स्टार्ट में आएगा क्वेश्चन फॉर्म में तो वो हमारी इन्वर्जन होकर होकर आया हुआ होगा। देयर आर टू टेंसेस वेयर वी नीड टू डू डू और डस डिड टू मेक द क्वेश्चन फॉर्म। टेंस में हमारे दो ऐसी जगह हैं जहां पर हमारा डू और डस यूज होता है, डिड हमारा प्रेजेंट में जो है वहां पर डू और डस लगता है, डू हमारा प्लूरल की सूरत में लगता है और हमारा जो डस है वो सिंगुलर की सूरत में लगता है जहाँ एस और एस का इजाफा हुआ होता है, ऐड हुआ होता है, और हमारा डिड जो है वो प्रेजेंट में यूज हुआ होता है। सिंपल हमारे पास्ट में यूज हुआ होता है डिड, और प्रेजेंट में हमारा डू और डस यूज हुआ होता है। सिंपल पास्ट में हम सेकंड फॉर्म के साथ डिड यूज करते हैं। दिस इज यूजुअली स्टिल कॉल्ड इन्वर्जन, ये भी हमारी इन्वर्जन कहलाती है। हमारी इन्वर्जन टेंसेस में इस तरह से होगी जिस तरह से मैंने आपको बताया है कि हमारे ऑक्सिलरी वर्ब जब उसके स्टार्ट में आ जाएंगे सब्जेक्ट से पहले। जब भी कोई चीज हमारे सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी तो वो हमारी क्वेश्चन फॉर्म बन जाएगी, तो क्वेश्चन फॉर्म बनते ही हमारी वो हमारी इन्वर्जन कहलाएगी। तो आप देखिए कि सिंपल जो हमारा प्रेजेंट सिंपल है वो है विद एनी वर्ब एक्सपेक्ट एक्सेप्ट बी एट डू और डस। डू यू गो, अब हमारा जब है डू वो स्टार्ट में है, डू यू गो तो ये क्वेश्चन फॉर्म बन गया। डज ही गो, हम वैसे कहते ही डज, तब हमने स्टार्ट में जब इसको इंटरोगेटिव बन गया हमारा डज ही गो, इट्स कॉल्ड इन्वर्जन, क्योंकि हमारा ही डज आना था, हमारा ही पहले आना था सब्जेक्ट, और डज जो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है वो बाद में आना था, लेकिन इन्वर्जन हमने जब की तो डस हमारा पहले आ गया तो ही हमारा
बाद में आ गया, इट्स कॉल्ड इंटरोगेटिव एंड इनवर्जन। पास्ट सिंपल देखेंगे कि विद एनी वर्ब एक्सेप्ट बी एट डिड, जब हमारा डिड लगेगा तो हमारा उसके बाद जो है डिड वी गो, हम कहते हैं वी डिड गो। इस तरह से हम कहेंगे स्टार्ट में जब हमने इनवर्जन करनी होगी तो हम अपने डिड ऑक्सिलरी वर्ब को स्टार्ट में ले आएंगे तो कहेंगे डिड वी गो, इट्स कॉल्ड इनवर्जन। स्टूडेंट्स विद अदर वर्ब टेंसेस वी चेंज द प्लेस ऑफ द सब्जेक्ट एंड ऑक्सिलरी वर्ब मींस के हेल्पिंग वर्ब इफ देयर इज मोर देन वन, वी डोंट मूव द पार्ट्स ऑफ द वर्ब। स्टूडेंट्स इस बात पर फोकस कीजिएगा, वी चेंज द प्लेस ऑफ द सब्जेक्ट एंड द ऑक्सिलरी वर्ब, हम अपने सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब की प्लेस चेंज करते हैं अपने टेंस में। द फर्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब जो हमारा पहला जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है वो चेंज होता है, देयर इज मोर देन वन जो एक और एक से ज्यादा हो, वी डोंट मूव अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ब, बाकी पार्ट्स ऑफ वर्ब हम चेंज नहीं करते, सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब को चेंज करते हैं कि उसको स्टार्ट में ले आते हैं, हम एक्शन वर्ड को कभी भी स्टार्ट में नहीं लाते। Friends, हमारा वर्ब जो होता है एक्शन वर्ड होता है, लेकिन हम अपने एक्शन वर्ड को कभी स्टार्ट में नहीं लाएंगे, हम अपने ऑक्सिलरी वर्ब जो हमारे ये वर्ब होगी इसको हमेशा स्टार्ट में लाएंगे। जैसे कि आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस में देखेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एम आई गोइंग, वैसे हमारा सेंटेंस होता है सिंपल आई एम गोइंग, ये हमारा सिंपल हो गया आई एम गोइंग, इट्स अ सिंपल। जैसे ही हमने इसको इन्वर्जन इसकी की तो इसमें हमने अपना एम जो है, मैंने आपको बताया था इस एम वॉज वर आर दीज आर कॉल्ड ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब, जैसे ही हमने, वैसे हमारा यहाँ पर वर्ब जो है वो गो है, गोइंग हमारा एक्शन वर्ड, लेकिन हमने इसको कभी भी स्टार्ट पे नहीं लाना, वर्ब के बाकी पार्ट्स को मूव नहीं करना, हमारा सिंपल सेंटेंस है आई एम गोइंग यू आर गोइंग, तो हमने उसको क्या किया अपने ऑक्सिलरी वर्ब को स्टार्ट में ले आए, एम आई गोइंग आर को स्टार्ट में ले आए, हमारा यू आर था तो हमने आर यू गोइंग कर दिया क्वेश्चन फॉर्म में ले आए, तो जैसे ही वो क्वेश्चन फॉर्म में आए तो इट्स कॉल्ड इनवर्जन। हमारा पास्ट कंटिन्यूअस है, ऐसे हमारा सिंपल होगा ही वाज गोइंग, हमने उसको इनवर्जन करके वाज ही गोइंग कर दिया, मतलब ऑक्सिलरी वर्ब को स्टार्ट में लेकर उसको क्वेश्चन फॉर्म बना दी। वर दे गोइंग इस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट में हमने करना होता है वी हैव गोन, हमने इनवर्जन करके हैव वी गोन कर लिया, हैज शी गोन कर लिया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमने she has been going करना था, हमने उसको अपनी इन्वर्जन के साथ she has been आना था, हमने has she been going कर दिया, तो हमने उसका एक हमने सवालिया की तरह बना दिया। Dear friends, हम अपने helping verb को action verb को नहीं, एक बार फिर focus कीजिए, आपकी आसानी के लिए बता रही हूँ, आसानी के लिए मैं ये बात बता रही हूँ कि आप अपने जो है एक्शन वर्ब को कभी भी मूव नहीं करेंगे, स्टार्ट में नहीं लाएंगे, आप हमेशा अपने ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में लाएंगे अपने उसको इंटरोगेटिव सवालिया फॉर्म में बनाने के लिए, तो इट्स कॉल्ड योर इन्वर्जन। पास्ट परफेक्ट में आप देखेंगे इस तरह से, आप पास्ट परफेक्ट में हैड यू गोन आ गया आपका स्टार्ट में, परफेक्ट कंटिन्यूअस में आप देखेंगे हैड ही बीन गोइंग, आपका ही हैड बीन गोइंग ऑन तो हैड ही बीन गोइंग हो गया। फ्यूचर में आपका था दे विल गो, बट आपका क्वेश्चन बनाने के लिए इन्वर्जन हुई विल दे गो। फ्यूचर कंटिन्यूअस में आ गया आपको यू विल बी गोइंग, जैसे इन्वर्जन हुई तो वी विल यू बी गोइंग आ गया। स्टूडेंट्स ये आपके सारे जो है टेंसेस हैं, इन पर आपने फोकस करना है, कि इसलिए मैंने आपको ये सारे टेंस बताए हैं कि आपको इन्वर्जन करना आ जाए, आपको आप इन्वर्ट कर सको, आप चीजों को एक जगह से दूसरी जगह प्लेस ऑफ ऑर्डर कर सको, मूव कर सको, बट आप एक ही चीज को मूव कर सकते हैं कि आप अपने सब्जेक्ट की जगह सिर्फ ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब को ला सकते हैं, अपने ओरिजिनल जो आपका एक्शन वर्ड है उसको नहीं ला सकते। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको टेंसेस में ऑक्सिलरी वर्ब को और उसको इन्वर्जन करवाने का बताने का मकसद भी यही था कि आपको टेंसेस में समझ आ जाए। इसके बाद आपने देखना है व्हेन डू, कब करते हैं वी यूज इन्वर्जन, हम इन्वर्जन करते कब हैं, हम उसको चीज को एक जगह से दूसरी जगह करते कब है। अब हमारा क्वेश्चन ये आ गया, वी यूज इन्वर्जन इन क्वेश्चंस, हम हमेशा इन्वर्जन जो है वो अपने क्वेश्चन फॉर्म में करते हैं, बट वी आल्सो समटाइम यूज इन्वर्जन इन अदर केसेस,
हमेशा हमें एक पता है कि इन्वर्जन क्वेश्चन फॉर्म में होते हैं, जैसे अब तक मैं आपको बताती आई हूँ, बट समटाइम हम इस इन्वर्जन को अदर केसेस में करते हैं, दूसरी सूरतों में भी कर सकते हैं, व्हेन वी आर नॉट मेकिंग अ क्वेश्चन, जब हम इसको क्वेश्चन नहीं बनाना चाहते। डियर स्टूडेंट्स, अब तक जो मैंने आपको पढ़ाई है, बातें बताई हैं, तो मैंने आपको ये बताया था कि जब आप अपनी ऑक्सिलरी वर्ब को आप सब्जेक्ट में लाएंगे तो वो क्वेश्चन फॉर्म में आ जाएगा, तो इन्वर्जन कहलाती है। अब हमने ये देख लिया कि इन्वर्जन का हमें पता तो चल गया, अब हमने ये देखना कि और हम इसको कहाँ यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन फॉर्म में तो ये यूज हो गया, एक और जगह पर भी ये चेंज हो सकता है, वहां पर व्हेन वी आर नॉट मेकिंग अ क्वेश्चन, जब हम इसको क्वेश्चन नहीं बनाना चाह रहे थे सम टाइम, तो हम इसको किस तरह से यूज करेंगे, तो अब आपने वहां पर फोकस करना है। व्हेन वी यूज अ नेगेटिव एडवर्ब और एडवर्ब फ्रेज एट द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस, फ्रेंड्स हम इसको नेगेटिव एडवर्ब, एडवर्ब में आपको बताया था कि एडवर्ब डिस्क्राइब द वर्ब एडजेक्टिव एंड अनदर एडवर्ब, और इसकी मैंने आपको रिकग्निशन बताई थी, जो एल वाई पे आपका वर्ड खत्म होगा इट्स कॉल्ड एडवर्ब। तो आपने अपने एडवर्ब फ्रेजेस और नेगेटिव एडवर्ब को यूज करके आप अपने उस क्वेश्चन बना के आप अपनी इन्वर्जन कर सकते हैं। ये है एक चेंज होने का इसका तरीका, क्वेश्चन के बाद इसका चेंजिंग का तरीका क्या है कि आपने इसको नेगेटिव एडवर्ब और एडवर्ब फ्रेज में चेंज करना है। जैसा कि डियर स्टूडेंट्स, यूजुअली वी पुट द एक्सप्रेशन एट द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस टू एम्फसाइज व्हाट वी आर सेइंग, कि आपने अपनी जो जगह से जब उस चीज को मूव करना है तो आपने फोकस करना है कि आप अपने एडवर्ब नेगेटिव को जब स्टार्ट में लिखेंगे तो आपने उसको भी क्वेश्चन फॉर्म में करना है, लेकिन आपने चेंज करके करना है। इट मेक आवर सेंटेंस साउंड सरप्राइजिंग और स्ट्राइकिंग और अनयूजुअल, ये आपके लिए इसका साउंड जो है वो अनयूजुअल होगा। इट्स ऑल्सो क्वाइट फॉर्मल, if you don't want to give the impression you can't put the negative expression later in the sentence in the normal way, ki aapne jab isko placement order karna hai, jab isko change karna hai, jab isko move karna hai negative adverb phrase ko, to usko bhi aapne start mein likhkar aapne usko question form deni hai, lekin usko humne adverb form mein question form deni hai। to dear students, iski example aapke samne hai ki kis tarah se aap isko change karenge। Seldom have I have seen such beautiful work. Seldom have I seen such beautiful work. So dear students, आप देखने seldom का मतलब होता है बहुत कम, कभी कभार, और जैसे हम इसको negative form में लिखेंगे कि कभी कभार हमने ये चीज देखी थी, तो it's mean कि जब बहुत कम कोई चीज देखी जा रही हो तो इसमें आप देखिए कि negativity है। Seldom have I seen such beautiful work. मैंने ये जो है इतना खूबसूरत वर्क जो है कभी कभार बहुत जैसे एक रेयर में आता है कि बहुत कम देखा हो, तो इसको हमने चेंज करना है। सेल्डम क्या है, इज एट द बिगनिंग, आपके स्टार्ट में आ गया, इट्स आवर नेगेटिव एडवर्ब, सो वी यूज इन्वर्जन, हमने यहाँ पर अपनी इन्वर्जन यूज किया। डियर स्टूडेंट, कि किस तरह से हमने सेल्डम को नेगेटिव एडवर्ब को स्टार्ट में ला जो है सेंटेंस राइट जो किया है, तो हमने अपनी इन्वर्जन कर दी कि हमारा नेगेटिव एडवर्ब यूज हो गया और हमारा एडवर्ब फ्रेज ये बन गया। दिस सेंटेंस एम्फसाइजेस व्हाट ब्यूटीफुल वर्क इट इज, तो हमारा ये सेंटेंस हमें एम्फसाइज कर रहा है, बता रहा है, हमारा ये मॉडिफाई कर रहा है कि किस तरह का शानदार, किस तरह का खूबसूरत वर्क है। पहले हमने देखा कि कभी कभार, मतलब हमने ये काम नहीं देखा, अब हमारा जब वो क्वेश्चन फॉर्म में आया ब्यूटीफुल वर्क इट इज, कितना खूबसूरत है ये काम, तो ये हमारा क्या हो गई, इन्वर्जन हो गई। आपने देखना इसके बाद कि सेकंड में आई हैव सेल्डम सीन सच ब्यूटीफुल वर्क, आई हैव सेल्डम सीन, अब हम जब सेल्डम को स्टार्ट में लाएंगे तो ये इन्वर्जन हो जाएगी, जब हम सेल्डम को मिड में लाएंगे अपने और अगर हम इसको स्टार्ट में नहीं लाते तो हमारी ये इन्वर्जन नहीं है। तो आपने अपनी पहचान अपनी इधर से ही कर लेनी है डियर स्टूडेंट्स, इन्हीं दो एग्जांपल से ही पता चल जाएगा आपको, अगर आप इस पर फोकस करेंगे। सेल्डम का मतलब होता है कभी कभार, और वो सेल्डम अगर स्टार्ट में आया,
सेल्डम हैव आई सीन सच ब्यूटीफुल वर्क, इट्स कॉल्ड इनवर्जन, कि इसमें इनवर्जन यूज हो गई है। वही हमने सेंटेंस वही है, फ्रेज वही है हमारा एडवर्ब, लेकिन हमने सेल्डम को अपने जो है हमने ऑक्सिलरी वर्ब के बाद जब लगा दिया तो उसमें हमारी इनवर्जन, वी सो वी डोंट यूज इनवर्जन, कि हमने इनवर्जन यूज नहीं की हुई उसमें। दिस इज नॉर्मल सेंटेंस, ये हमारा क्या है नॉर्मल सेंटेंस, जिसमें हम अपने सब्जेक्ट के बाद वैसे भी हम अपना ऑक्सिलरी वर्ब लगाते हैं, तो इसमें हमारी इन्वर्जन नहीं है। जैसे ही हमारा ये वर्ड स्टार्ट में आ गया तो ऊपर वाले सेंटेंस में देखा कि फौरन से हमारी जो है उसको क्वेश्चन बन गया, जैसे ही वो क्वेश्चन बना तो इट्स कॉल्ड इन्वर्जन। वी यूज ओनली इन्वर्जन व्हेन द एडवर्ब मॉडिफाइज द होल फ्रेज, हमारा एडवर्ब जो डिस्क्राइब कर रहा होता है, मॉडिफाई कर रहा होता है, हमारा एडवर्ब हमें बता रहा होता है हमारे होल फ्रेज के बारे में, एंड नॉट दैट इट मॉडिफाइज द नाउन। हार्डली हमारी जो होती है एनीवन पास द एग्जाम, इसमें हमारा इन्वर्जन यूज नहीं हुई हुई। आप देखिए हार्डली एनीवन पास द एग्जाम, इसमें हमारी इन्वर्जन नहीं है। अब आप देखेंगे जब हम हियर सम नेगेटिव एडवर्ब एंड एडवर्ब फ्रेजेस दैट वी ऑफन यूज विद इन्वर्जन, डियर फ्रेंड्स हमारी जो इन्वर्जन है उसको हम देखेंगे। हमने हार्ड, हार्ड जो होता है एक वर्ड है, जब हम उसको एल वाई दे देंगे फॉर्म तो हमें मिल जाएगा, फौरन से रिकग्निशन हो जाएगी हमारी, इट्स अ एडवर्ब। तो हमने देखना है कि हमारा जो है हार्डली एक एडवर्ब है, हमने यहाँ पर सम नेगेटिव एडवर्ब एंड एडवर्ब फ्रेजेस को डिफरेंट इन्वर्जन में चेंज किया हुआ है। हार्डली को हम जब स्टार्ट में लाएंगे तो हम देखेंगे हार्डली हैड आई गॉट इनटू बेड व्हेन द टेलीफोन रैंग, हमने हार्डली को जब स्टार्ट में लाया सेंटेंस के तो हमारा ये सेंटेंस इन्वर्जन हो गई। नेवर, नेवर को अगर हम इसमें दरमियान में लिखते हैं किसी भी जगह पे, कि जैसे हम कहते हैं जी शी हैड नेवर सीन सच अ ब्यूटीफुल साइट बिफोर, शी हैड नेवर सीन, तो हमारी इसमें इन्वर्जन डियर स्टूडेंट्स यूज नहीं हुई हुई। जैसे ही हम उस नेवर को स्टार्ट में ले आएंगे, नेवर हैड शी बीन सच अ ब्यूटीफुल साइट बिफोर, एक हमारी सेंस की क्वेश्चन वाली बन रही है, नेवर हैड शी बीन सीन सच अ ब्यूटीफुल साइट बिफोर, तो इट्स कॉल्ड इन्वर्जन, कि हमने यहाँ पर अपनी इन्वर्जन इस तरह से करनी है अपने सेंटेंस में। इसके बाद हमारा सेल्डम, सेल्डम का मतलब मीन बहुत कम, कभी कभार, जैसे नेवर, जिस तरह से ये हमारा ये सारे, हार्डली का मतलब होता है ज्यादा नहीं, ज्यादातर नहीं, मतलब बहुत रेयर फॉर्म में आ रहा होता है। नेवर भी आपका नेगेटिव में आ रहा होता है कि कभी कभार, सेल्डम भी आपका बहुत कम आने वाला, यानी कि चीज बहुत कम यूज होती है। रेयरली का मतलब भी होता है कि आपकी ये नेगेटिव फॉर्म में आ रहा है कि रेयर है एक चीज, बहुत मतलब आम नहीं है, कॉमन नहीं है, इट्स अ रेयर, तो ये भी नेगेटिव में आपके आता है। तो सेल्डम डू वी सी सच एन अमेजिंग डिस्प्ले ऑफ डांस, तो आपका जब सेल्डम स्टार्ट में आ गया तो इट्स मीन कि आपको पता चल जाएगा कि ये है हमारी इन्वर्जन। रेयरली अगर हम ये कहें कि यू विल रेयरली हेयर सच ब्यूटिफुल म्यूजिक, तो हमारा यू जो है सब्जेक्ट हो गया, हमारा विल जो है हमारा ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, रेयरली हमारा मीट में आ गया, हमारा बहुत कम, मतलब हमने जो है अपना मिड में आ गया। तो इस तरह से अगर हम करते हैं तो हमारा सिंपल और नॉर्मल सेंटेंस ये कहलाएगा। आपके पास यू विल रेयरली हेयर सच ब्यूटिफुल म्यूजिक, इट्स कॉल्ड अ सिंपल सेंटेंस। लेकिन जब हम इसको रेयरली को स्टार्ट में ले आएंगे, रेयरली विल यू हेयर सच ब्यूटिफुल म्यूजिक, तो ये हमारा क्या हो जाएगी, इन्वर्जन हो जाएगी। नेक्स्ट आपने देखना है इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन द इन्वर्जन कम्स इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस। अब हमने अब तक जो देखा है कि वो हमारी जो इन्वर्जन जो थी उस वो हमारे सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में थी, कि हमारा सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट था उसमें ही हमारे क्वेश्चंस जो थे हमारे ऑक्सिलरी वर्ब आते थे। अब हमने अपनी इन्वर्जन की पोजीशन थोड़ी चेंज करनी है कि अब हमारी इन्वर्जन जो हमारे ऑक्सिलरी वर्ब डू डिड हैड ये सारे जो थे कुड जो है वुड ये स्टार्ट में आते थे, अब हमने इसको सेंटेंस के सेकंड पार्ट में कर देना है। लेकिन वहां भी ये अपनी क्वेश्चन फॉर्म देगा इन्वर्ट जब हो रहा होगा अपनी, बेशक ये अपनी इससे पोजीशन चेंज करता है इन्वर्शन में, लेकिन सेंटेंस जो है हमारा फ्रेज वही रहता है। जैसे कि अब हमारे पास है नॉट
जॉन अपना जो है यहाँ पर यूज कर लिया अपना एडवर्ब नॉट एंटिल आई सा जॉन विथ माई ऑन आईज। अब हमारा यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब सेकेंड्स उसमें आ गया सेंटेंस में, हमारा इन्वर्जन क्या हो गई सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस, या हमारा अब तक एक सेंटेंस है नॉट एंटिल आई सा जॉन विथ माई ऑन आईज, यहाँ तक हमारा एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब हमने जैसे ही डिड लगाया ऑक्सिलरी वर्ब लगाया तो हमारा ये सेकेंड सेंटेंस बन गया, तो हमारी चेंजिंग कहाँ हुई सेकेंड सेंटेंस के स्टार्ट में, जैसे हमने डिड लगाया डिड को हमने जब स्टार्ट डिड आई रियली बिलीव ही वाज सेव, क्या ये वो वाकई ही यकीन के साथ आप कह रहे हैं कि वो वहां पर सेव है। हमारा है नॉट सिंस डियर फ्रेंड्स ये भी नेगेटिव फॉर्म में है, नॉट सिंस लूसी लेफ्ट कॉलेज, अब यहाँ तक हमारा एक सेंटेंस बन गया जब हमने नॉट सिंस लगाकर हमने अपना नेगेटिव फ्रेज। अब हमने जैसे ही हैड लगाया ऑक्सिलरी वर्ब लगाया हमारी इन्वर्जन हो गई, हैड शी सच अ ब्यूटीफुल वंडरफुल टाइम, कि जैसे ही हमने अपना ये हैड डिड डू डज एज हिम और जो आपके वाज वर ये सारे आपके ऑक्सिलरी वर्ब हैं, आपके हेल्पिंग वर्ब है डियर फ्रेंड्स, जैसे ये आपके सेंटेंस के सेकंड पार्ट में आएंगे तो समझे कि आपके फर्स्ट पार्ट में इन्वर्जन नहीं हुई, इस पोजीशन में सेकंड पार्ट में इन्वर्जन होती, तो इन्वर्जन का यूज जो है हम वो सेकंड पार्ट में देख रहे हैं, जैसे ओनली आफ्टर आई हैड सीन हर फ्लैट, यहाँ पर हमारा फर्स्ट सेंटेंस कंप्लीट हो गया। डिड आई अंडरस्टैंड व्हाई शी वांटेड टू लीव देयर, हमने अपने डिड लगाकर अपनी इन्वर्जन की अपने सेकंड सेंटेंस में। नेक्स्ट है ओनली वन वी हैड ऑल अराइव्ड होम, डिड आई फील काम, ओनली बाय जो है हमने स्टार्ट में उसको नेगेटिव फॉर्म, हमारे हमारी जो फॉर्म तो लग गई एडवर्ब तो लग गया वर्किंग एक्सट्रीमली हार्ड, कि वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पर अपना हार्ड वर्क करते, हमारे यहाँ एक सेंटेंस खत्म हो गया। हमने अपना एक ऑक्सिलरी वर्ब या हम उसको कहेंगे हेल्पिंग वर्ब कुड लगाकर एक सेंटेंस को उसके सेकेंड पार्ट में इन्वर्जन कर दी, कुड वी अफोर्ड टू ईट, ये हमारा एक सवालिया उसमें भी आ गया और हमारा क्वेश्चन फॉर्म में भी आ गया, और हमारे आपने देखा होगा अब तक सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में इन्वर्जन हुई है, लेकिन इधर हमारी चेंजिंग क्या हुई, हमारी पोजीशन जो है वो चेंज हुई सेकंड सेंटेंस में, प्लेस ऑफ ऑर्डर सेकंड सेंटेंस में चेंज हुआ, लेकिन सेकंड सेंटेंस में भी क्वेश्चन फॉर्म दे रहा है, तो उसी क्वेश्चन फॉर्म के सेंस दे रहा, तो इट्स कॉल्ड इन्वर्जन एंड यूजेस ऑफ इन्वर्जन। नेक्स्ट हमने देखना है we can use inversion instead of if in conditionals with had were and should, this is quite formal, it's also formal sentence dear friends। ab aapne dekhna hai ki jahan par bhi jin sentence mein aapko if nazar aayega conditional mein aapne uski inversion karte waqt usko had mein were mein and should mein change kar dena hai, aapki jo hai ye auxiliary verb jo hai inme aapne isko change kar dena hai dear friends, जैसे कि मेरी बात पे फोकस कीजिएगा, जहां पर भी आपको कंडीशनल सेंटेंस में आपको इफ जहां नजर आएगा उसकी आपने इन्वर्जन मींस कि उसको आपने उलट के कहां ले जाना है वर्ब में हैड में एंड शुड में, जैसे नॉर्मल आपके कंडीशनल वर्ड होंगे फॉर एग्जांपल इफ आई हैड बीन देयर दिस प्रॉब्लम वुडंट हैव हैपन, इफ लगाया हुआ है नॉर्मल सेंटेंस में तो हमारी जो है इसमें इन्वर्जन क्या होगी कंडीशनल इन्वर्जन had start में आ गया, had I been there this problem wouldn't have happened, same हमारा phrase वही है लेकिन changing क्या हो गई if change हो गया had में, had I been there this problem wouldn't have happened, ये हमारी conditional normal से conditional inversion हो गई, एक हमारा इसका inversion का use ये हो गया। next sentence देखिएगा dear friends कि किस तरह से हमने अपना नॉर्मल को और उसको इन्वर्जन को देखना है, नॉर्मल कंडीशन इफ वी हैड अराइव सूनर वी कुड हैव प्रिवेंटेड दिस ट्रेजेडी, तो ये किसी हमारी उसको फीलिंग को शो करवा रहा है, इसलिए हमने ये एक्सक्लेमेटरी में लिखा हुआ है, हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क यूज हुआ है, तो हमारा ये नॉर्मल कंडीशनल हमने उसको क्यों कहेंगे, वो इस वजह से कहेंगे इसकी रिकॉग्निशन कि हमारे पास इफ लगा हुआ है, जहां पर भी हमारे पास इफ लगा होगा तो वो हमारी नॉर्मल कंडीशन होगी, और उसको हमने जैसे इन्वर्जन में करना है तो हमने करना है हम
अपने हेड को स्टार्ट में ले आए, हैड वी अराइव्ड सूनर वी कुड हैव प्रिवेंटेड दिस ट्रेजेडी। हमारा जब इफ और हैड में उसमें चेंज हो जाएगा तो वो हमारी एक इन्वर्जन की फॉर्म हमारी ये बन जाएगी। वो अब देखें कि इन्वर्जन भी हो गई और ये हमारा क्वेश्चन फॉर्म भी बन गया सेंटेंस, हैड वी अराइव्ड सूनर, हमारा ये जो है क्वेश्चन फॉर्म में बन। यहाँ पर हमारा हैड आई बीन देयर, ये भी हमारा क्वेश्चन फॉर्म में आ गया। इधर से देखें या उधर से देखें तो आपका फोकस इस चीज पे, इन्वर्जन बेसिकली क्वेश्चन लाइक सेंटेंस, तो आप इसमें सिर्फ इन्वर्जन को हर सूरत में क्वेश्चन फॉर्म में ही देंगे, बस आप उस पोजिशन चेंज करते जाएंगे प्लेस ऑफ ऑर्डर के मुताबिक, उसमें चेंजिंग का चीजों को उल्ट करते जाएंगे, सब्जेक्ट को आप जो है अपनी जगह से हटा देंगे और उसकी जगह आप वर्ब को ले आएंगे। नेक्स्ट है, वी कैन यूज इन्वर्जन इफ वी पुट एन वर्बियल एक्सप्रेशन ऑफ प्लेस एट द बिगनिंग ऑन द सेंटेंस। अब हमारे देखना है कि हमने एडवर्ब ऑफ प्लेस का यूज करके स्टार्ट में, बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के स्टार्ट में हमने देखना है। दिस इज ऑल्सो क्वाइट फॉर्मल एंड लिटररी, ये एक लिटररी है, एक आर्ट है हमारे पास जिसको हमने करना है। ऑन द टेबल वॉज ऑल मनी वी हैड लॉस्ट, ये आपका जो है सेंटेंस है। अब हमने इसकी जो इन्वर्जन करनी है इसको सिंपल में, हम उसको ऑल को जो है हम स्टार्ट में ले, ऑल द मनी वी हैड लॉस्ट वॉज ऑन द टेबल, हमने सिर्फ उसकी जो जगह की जो थी एक्सप्रेशन, एडवर्ब ऑफ एक्सप्रेशन चेंज किया, बाकी सारा हमारा फ्रेज वही है। ऑल द मनी वी हैड लॉस्ट वॉज ऑन द टेबल, तो हमने देखना है। नेक्स्ट हमारा राउंड द कॉर्नर केम द नाइट्स, राउंड द कॉर्नर केम द नाइट्स, जो आप देखेंगे कि नॉर्मल सेंटेंस में हमने इसको किस तरह से लिखना है, द नाइट्स केम राउंड द कॉर्नर, हमने इसमें क्या बताना है, इन्वर्जन हमारा इसमें यूजेज का ये होगा हमारी इस इन्वर्जन में कि हम अपना जो है एडवर्ब ऑफ प्लेस को शो करेंगे सेंटेंस के स्टार्ट में। इसके बाद हम देखेंगे कि हमारा नेक्स्ट है, वी कैन जस्ट इन्वर्जन आफ्टर सो एंड प्लस एडजेक्टिव और दैट, हम अपनी एक इन्वर्जन का यूज ये यूज कर सकते हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। सो ब्यूटीफुल वॉज द गर्ल दैट नोबडी कुड टॉक ऑफ एनीथिंग एल्स, हमने अपने जो है सेंटेंस जो था हमारा, हमने उसकी अब इन्वर्जन करनी है। अब हम अपना द गर्ल वॉज सो ब्यूटिफुल, हमारी जो इन्वर्जन थी अब हमारी देखें कि यूज इन्वर्जन हुई हुई है, हमने उसको जो है आफ्टर हमने उसको सो लगाया हुआ है और एडजेक्टिव लगाया हुआ है, सो के बाद हमारा क्या लगा हुआ है एडजेक्टिव, ब्यूटिफुल हमारा एक एडजेक्टिव है, किसी गर्ल की किसी नाउन की क्वालिटी को बताएगा वो हमारा एडजेक्टिव होगा। जैसे फिर सुन लीजिएगा, tell us, adjective modify the noun and pronoun, यहाँ पर हमारा so जो है ये हमारा use हुआ हुआ है हमारा एक as a helping verb के तौर पर, beautiful adjective है और ये उसको qualify noun को करे। Dear students, एक तरह से हम inversion इस तरह से भी कर सकते हैं कि so लगाकर adjective और साथ that लगा दें तो हमारा वो एक inversion ये हो गई। उसको अब हम normal sentence देखेंगे, उसको the girl was so beautiful that nobody could talk of anything else, उसके बाद हमने देखना है सो डिलीशियस वॉज द फूड दैट वी ईट एवरी लास्ट बाइट, ये हमारी इसमें इन्वर्जन यूज हुई हुई है, डिलीशियस किसी भी चीज की क्वालिटी को बताया जा रहा है, डिलीशियस फूड है तो इट्स आल्सो कॉल्ड एडजेक्टिव और उसके साथ हमने स्टार्ट में अपनी इन्वर्जन की हुई है और दैट भी हमने अपना इधर यूज किया हुआ है, जहां पर आपकी इन्वर्जन आफ्टर जो है उसके साथ सो और एडजेक्टिव और दैट लग जाएगा तो एक इन्वर्जन का तरीका सेंटेंस का ये भी है। इसको सिंपल देखेंगे तो हमारा ये बन जाएगा द फूड वॉज सो द फूड वॉज सो डिलीशियस दैट वी एट एवरी लास्ट बाइट, एक इन्वर्जन हमारी जो है वो इस तरह से भी होती है सेंटेंस में। नेक्स्ट जो है हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस मींस के हियर एंड देयर, जब हम चीजों को अपनी ऑर्डर ऑफ प्लेस के मुताबिक जब चेंज कर रहे होते हैं तो सेंटेंस के बिगनिंग में हम उसको किस तरह से उसको मूव करेंगे अपने वर्ड्स को। दिस टाइप ऑफ सेंटेंस रिक्वायर द मेन वर्ब, अब हमें इस टाइप में अपने मेन वर्ब की जरूरत होती है, नॉट एक्सिलरी वर्ब। डियर स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर अब तक ऑक्सिलरी वर्ब को लेकर आते रह गए हैं, अब अपने इस यूजेज में आप देखेंगे कि हम इस पोजीशन पे अपने
में हमें रिक्वायर्ड है, जरूरत है, नीड है हमने अपने एक्शन वर्ब की, मेन वर्ब की, और हमें यहाँ पर इस स्टेज पर एडवर्ब ऑफ प्लेस की स्टेज पर ऑक्सिलरी वर्ब की जरूरत नहीं है। कम बिफोर द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से पहले जो है हमारे वो क्या आ जाएगा, हमारा वर्ब जो है हमारा मेन आ जाएगा। देयर इज अ लेडी स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द क्लब। अब हमारा देखेंगे यहाँ पर हमारा ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो बाद में आ गया, स्टार्ट में नहीं है। उसमें हमने आपने देखना है कि किस तरह से चेंज करना है। हेयर कम्स द किंग, हमारा जो हेयर है जो है वो स्टार्ट में आ गया, और हमारा एक्शन वर्ब सामने जो है हमारा वो क्या यूज हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस यूज हो गया। हेयर इज योर होम मेड गोला, इसमें देखें कि हमारा सबसे पहले एडवर्ब ऑफ प्लेस आ गया, उसके बाद हमारा ऑक्सिलरी वर्ब आया। देयर आर सो मेनी पीपल इन दैट फील्ड, यहाँ हमारा हेयर एंड देयर एडवर्ब ऑफ प्लेस बता रहा है कि एडवर्ब ऑफ डायरेक्शन की बात नहीं हो रही। हेयर एंड देयर किसको शो कर रहा है कि कभी इधर कभी उधर, ये आपकी एडवर्ब ऑफ प्लेस होगी। तो ऑक्सिलरी वर्ब हमेशा हमारा अब तक स्टार्ट में आता रह गया है, लेकिन इसमें हमारा जो है इस पोजिशन पर बाद में आया है। इट्स ऑल्सो यूज ऑफ इन्वर्जन, ये भी एक इन्वर्जन का यूज है। इसके बाद है बिगनिंग विद और एंड नॉट ओनली, एक यूज जो है हमारा इन्वर्जन का वो है ओनली और नॉट ओनली के साथ। एग्जाम्पल देखें इधर आप, ओनली इफ दे कम वुड आई गो, तो हमारा ओनली स्टार्ट में लगाने से एक तरह से हमारी इन्वर्जन ओनली इफ दे कम, हमारा वुड जो है या वुड आई गो, यहाँ पर इन्वर्जन ये चेंज हुई ओनली लगाने के बाद। ये एक सेंटेंस जो है हमें क्वेश्चन फॉर्म दे रहा है, ओनली बी रिसर्चिंग, हमारा एक सेंटेंस देखेंगे ओनली लगाने से ये बना, कैन यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इन्वर्जन यहाँ हो गई, तो हमारे सेंटेंस के देखें इस पार्ट में कि हमारी सेंस जो है क्वेश्चन की बन रही है। ओनली आफ्टर लंच कैन यू प्ले, यहाँ भी हमारी जो कैन बता रहे हैं कैन यू प्ले, आप क्या खेल सकते हो, ये भी हमारी सेंटेंस की क्वेश्चन फॉर्म बन रही है। नॉट ओनली डिड दे किल द एडल्ट्स बट दे किल्ड ऑल्सो द चिल्ड्रन, ये देखें नॉट ओनली जब यूज हो गया, बट हमारी क्वेश्चन की सेंस फिर भी हमने ऑक्सिलरी वर्ब लगाकर चेंज की, डिड दे किल द एडल्ट्स बट दे किल्ड ऑल्सो द चिल्ड्रन। फ्रेंड्स ओनली और नॉट ओनली के साथ जब हमने ये भी यूज कर लेना है, लेकिन फिर भी हमने अपना इन्वर्जन किस तरह से करनी है, क्वेश्चन फॉर्म में करनी है। जैसे कि हमारा सेंटेंस पहला पार्ट बताए या क्वेश्चन या दूसरा पार्ट बताए, हमने अपने पहले या दूसरे किसी भी पार्ट में देखना है कि हमारी इन्वर्जन क्वेश्चन फॉर्म में जरूर हो रही हो, कि हमारी उसकी इन्वर्जन वो किसी भी पार्ट में जरूरी है। इसके बाद आपने देखना है कि सम प्रेपोजिशनल फ्रेजेस एट द बिगनिंग ऑफ अ सेंटेंस, कुछ प्रेपोजिशनल फ्रेज तो होते हैं, प्रेपोजिशनल फ्रेज वो होते हैं जो आपको डायरेक्शन का बता रहे होते हैं, वो आपके सेंटेंस में देखिए किस तरह से आते हैं, इनटू जो है आपकी प्रेपोजिशन इनटू, इनटू द रूम केम शी व्हेन आई वाज स्लीपिंग, ये देखें कि आपका फ्रेज जो है उससे पहले आपके जो है इन्वर्जन हो कि इनटू आपका स्टार्ट में आया हुआ है। बिहाइंड जो है इट्स आल्सो कॉल्ड योर प्रेपोजिशन, बिहाइंड मी क्राइज अ चाइल्ड, ओवर ओवर इज आल्सो कॉल्ड योर प्रेपोजिशन, द टेबल हैंग्स अ पेंटिंग, आपकी इस तरह से इन्वर्जन भी हो सकती है, एक यूसेज ये भी हो सकता है इन्वर्जन का, आप प्रेपोजिशन को स्टार्ट में जब ले आएंगे तो इट्स कॉल्ड आल्सो यूज ऑफ इन्वर्जन। तो डियर फ्रेंड्स जो कल का टॉपिक था हमने उसमें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस को पढ़ा था, चेंजिंग की थी, इसमें हमने अपनी इन्वर्जन को पढ़ा है, चीजों को उलटना, एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करना, हमने अपनी इन्वर्जन सिर्फ अब इस तरह से करनी है कि अपने सब्जेक्ट की जगह हमने अपने वर्ब को ले आना है, और उसके हमने चेंजिंग जो है किस किस उसके यूज के मुताबिक करनी है वो भी मैंने आपको बता दिया है। फ्रॉम माई साइड If you have any question, you can ask to me. Don't hesitate. आप अपनी जो है साथ के साथ चीजों को recall करें और चीजों को समझें, उसका concept clear करें और मुझसे questions करें। इंशाल्लाह जो आपकी जो सारे मैंने usage लिखे हैं, rules लिखे हैं, अब तक जो पढ़ाया है इस पर आपने focus करना है। अल्लाह हाफिज़।